हेलो गाइस, वाटर पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सेंचुरीज से चलती आ रही है और वक्त के साथ ये समस्या और भी बढ़ी है। लगातार बढ़ते पॉपुलेशन के साथ ही लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इन जल स्रोतों को रिचार्ज या मेंटेन करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सफिशियंट नहीं है। गर्मियों का सीजन आ चुका है और हम कभी भी समर के वाटर क्राइसिस के लिए प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि हर साल हमारी स्थिति पहले से ज्यादा बुरी होती है। 135 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत में वाटर क्राइसिस दिनों दिन और गहराता जा रहा है। गाइस, 2018 में जारी किए गए नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेहद गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं और हर साल लगभग 2 लाख लोगों को गंदे पानी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस तरह की सिचुएशन के बावजूद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में 2030 तक पानी की मांग दोगुनी हो जाएगी। एक तरफ तो डिमांड बढ़ रही है और दूसरी तरफ इंडिया में 70% वाटर रिसोर्सेस कंटामिनेटेड हैं, जिसके कारण हमारी रैंक 122 देशों के वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 120 हो गई है। इसका मतलब है कि भारत में दुनिया का सबसे खराब क्वालिटी का पानी अवेलेबल है। इस प्रॉब्लम को थोड़ी और डिटेल में हम देख लेते हैं। इंडिया में फ्रेश वाटर के दो सबसे बड़े रिसोर्स हैं, पहला है ग्राउंड वाटर और दूसरा है रिवर। बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की। इंडिया की एक चौथाई जनसंख्या इस नदी पर डिपेंडेंट है, खासकर यूपी, बिहार और बंगाल के लोग। इसके बाद भी हम हर रोज हजारों इंडस्ट्रीज जैसे लेदर इंडस्ट्री से निकलने वाला क्रोमियम और कई शहरों का कचरा नदी में डाल रहे हैं। इसके साथ ही गंगा को आस्था का बोझ भी ढोना पड़ता है, जैसे हर साल लगभग 300 टन अधजली लाशों को सीधे गंगा में बहाया जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से आज गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार गंगा का पानी पीने लायक तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है। गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, जिसकी 50% गंदगी सिर्फ दिल्ली से आती है, उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं है। हेवी मेटल एंड कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल ऑल टाइम हाई पर है। गाइस, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे ह्यूमन और कैटल एटसेट्रा के गट एंड फीसिस में पाया जाता है, तो ये हार्मफुल तो नहीं होता लेकिन एज ए इंडिकेटर एक्ट करता है और शो करता है कि वाटर रिसोर्सेस ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट से कंटामिनेटेड हैं, जिसके कारण इसमें डेंजरस पैथोजेंस हो सकते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ही एक और रिपोर्ट के अनुसार फीकल कोलिफॉर्म का लेबल 500 एमपीएन पर 100 एमएल या इससे कम होना चाहिए, लेकिन यमुना में इसका लेबल 1 लाख एमपीएन पर 100 एमएल से ज्यादा हो गया है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि कितनी बदतर हालत हो गई है इन नदियों की। ब्रह्मपुत्रा नदी में भी सीवेज वेस्ट एंड वायल लीकेज के कारण पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, लेकिन असम की लाइफलाइन कही जाने वाली इस नदी की सफाई अक्सर भारत और चीन के बीच ब्लेम गेम और डिप्लोमेटिक इश्यूज की भेंट चढ़ जाती है। केमिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट के अलावे सैंड माइनिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गाइज, यहाँ पर सैंड हैबिटेट प्रोवाइड करता है नाइट्रोबैक्टर जैसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो फिश हो या फिर अंडर वाटर प्लांट्स। तो जब भी हम सैंड रिमूव करते हैं तो ये रिवर के इकोसिस्टम को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि कावेरी नदी को जो भी डैमेज हुआ है उसमें सैंड माइनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्राउंड वाटर की। हर साल भारत में अप्रॉक्स 230 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत तेजी से नीचे गिरा है। और वेस्टर्न इंडिया जैसे कि पंजाब और इंडो गंगेटिक प्लेन्स यानी कि यूपी बिहार जैसे इलाकों में तो 90% एरिया ग्राउंड वाटर से ही इरिगेट हो रहा है। गाइज, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एग्रीकल्चर दो तरह से वाटर रिसोर्सेस को हार्म करती है। पहला तो हो गया इरिगेशन और दूसरा है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं और ये फर्टिलाइजर प्लांट्स के द्वारा 100% एब्जॉर्ब नहीं होते। फिर रेनी सीजन में पानी इन खेतों से होता हुआ नजदीक के वाटर बॉडी में पहुंचता है और वाटर की न्यूट्रिशन लेवल को रेज करता है, जिसके कारण एल्गल ब्लूम होता है और ऐसी सिचुएशन में वाटर का जो सरफेस होता है वो पूरी तरह से कवर हो जाता है, जिसके कारण सनलाइट और ऑक्सीजन बॉटम तक नहीं पहुंच पाता और इस कारण से वाटर बॉडी का सारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी फेनोमिना को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। एक तो ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है
और उसके साथ ही पॉल्यूट भी हो रहा है। जैसे दिल्ली के अधिकतर जिलों में सैलिनिटी, फ्लोराइड और नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इनके प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है। इसके अलावा दिल्ली के सीवर्स में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम और लेड की कॉन्सेंट्रेशन भी पाई गई है। और गाइज, इतने हाई पॉल्यूशन लेवल के बाद भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश में हम सिर्फ बड़े शहरों के 30% सीवर को ही ट्रीट कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि 70% गंदा पानी एज इट इज वाटर बॉडीज में जा रहा है। सरकारों के द्वारा वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी क्लीनअप प्रोग्राम्स चलाई जा रही हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान 1 एंड 2, नमामि गंगा प्रोजेक्ट, यमुना एक्शन प्लान, अटल भूजल योजना एटसेट्रा। लेकिन जमीन पर इन प्रोग्राम्स का कोई पॉजिटिव चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। वाटर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए सरकारों के साथ पब्लिक को भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। जैसे यूज्ड कुकिंग ऑयल, मोटर ऑयल को नालियों में नहीं डालना चाहिए। रिलीजन और कस्टम के नाम पर वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करना बंद होना चाहिए। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड डिटर्जेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस हैं। तो हमें इन प्रोडक्ट्स का जुडिशियस यूज करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, वाटर पॉल्यूशन को लेकर अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।